बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके अच्छे दोस्त होते हैं, और मैं उनमें से एक खुशनसीब बिकॉज़ ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स। भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में। तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले, लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट। अर्ज किया है, जो लोग दिल के बहुत करीब होते हैं वो अक्सर आपसे बहुत दूर जाते हैं। शेर में शायर कहते हैं कि ज्यादा हो गया क्योंकि दोस्त हमारा स्कूल लाइफ खत्म हो गया, और कुछ हम मकतब साथी जो हमारे जिंदगी को रंगीन बनाते थे वो हमसे काफी दूर जा रहे हैं। बट वी क्रिएटेड सम कूल मेमोरीज टुगेदर, और हम एक और यादगार बनाना चाहते हैं। सो इसीलिए मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप फॉर अ लास्ट टाइम। सो जरा मुलाहिजा फरमाएं भाई साहब, लड़के ट्रिप पर जा रहे हैं। भाई किस गाड़ी में जाना चाहिए, जो गाड़ी दूर से बोले आ जाओ भाई। व्यू देखो भाई व्यू। चित्राल गोल नेशनल पार्क बिरमोगलाश, तो यहाँ के जरा गेम्स चेक करें। मैं नहीं हूँ अकेला, मिल गया कार। इस एक कप को कीमत तुम क्या जानो ब्लॉगर साहब। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारो
तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी। किसी शख्स ने खूब कहा है, मेरा दिल पहाड़ों में खो गया है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। तो भाई साहब, वक्त के साथ हमारा सख्त मुकाबला है, तो काम ज्यादा करेंगे, बातें कम करेंगे। देखो दोस्त, मैंने कहीं सुना था किसी नए जगह की खूबसूरती देखने के लिए सुबह का टाइम परफेक्ट होता है। फिलहाल सुबह के 5 बज रहे हैं। ओए होए 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 भाई साहब, जरा व्यू चेक करें। स्टार्स आर मेनी बट मून इज वन। इसी तरह चित्राल गोल नेशनल पार्क में ट्रीज आर मेनी बट छगदिनी रोग इज वन। इस दरख्त का नाम छगदिनी रोग है और ये खाली एक दरख्त नहीं है भाई, इस दरख्त का अपना एक कहानी है। ये माना जाता है कि आज से तकरीबन 100-200 साल पहले सर्दियों के वक्त लोग चित्राल गोल नेशनल पार्क का रुख करते थे बर्फ जमा करने के लिए। शायद उस वक्त यहाँ के लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत थी। खैर, कल हमने जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेला था और अपने कैंप्स लगाए थे, इसी ग्राउंड के मकाम पर लोग बहुत सारा बर्फ जमा करते थे। और यूं ही गर्मियों का सीज़न आता था तो फिर लोग यहाँ आते थे और जमा किया हुआ बर्फ अपने साथ घर ले जाते थे। इस काम को करने के दौरान लोग थक जाते थे और फिर इस दरख्त के छाँव में बैठते थे सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए। छाख चित्राली जबान में छाओं को कहते हैं और रोग पाइन ट्री को कहते हैं, इसी वजह से इस दरख्त का नाम छगदिनी रोग पड़ गया। ओहो, इन दोस्तों के साथ गुजरा हुआ हर एक पल यादगार होता है। आजकल के ज़माने में हम इंटरनेट के ज़रिए एक क्लिक पर दोस्त बना सकते हैं। दोस्त बनाना इतना आसान हो गया है तो एक सवाल उठता है, सच्चे दोस्त कौन होते हैं? मोहसिन भाई, दोस्त
दोस्त हमारी जिंदगी में खास अहमियत रखता है। दोस्ती की बुनियाद मोहब्बत, एतिमाद और समझदारी पर होती है। एक अच्छा दोस्त हमारी जिंदगी में मुस्बित तब्दीलियां लाता है, हमारी कामयाबियों पर खुश होता है और हमारी नाकामियों में हमें संभालता है। समझ रहे हो? हाँ। ना किसी मंजिल की फिकर थी जिंदगी जीने की। आज के बाद इन दोस्तों में से कुछ दोस्त हमसे दूर चले जाएंगे और कुछ अब भी साथ रहेंगे। फिर हम भी एक दिन बोलेंगे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। स्कूल लाइफ तो ख़त्म हो गया, इस व्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में अपने अंदाज में। अल्लाह हाफिज़। No, 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 no. No, 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 no.